नमस्कार, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति संयोजक एवं वर्तमान में हम देश के करोड़ों ठगी पीड़ित जमाकर्ता नागरिकों का जो जमा धन है सरकार के पास, पिछले कई वर्षों से सरकार के पास पड़ा हुआ है, खाते सीज पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टियां सीज कर रखी है, लेकिन जो निर्दोष निवेशक हैं जिन्होंने छोटी छोटी पूंजी 10-10 रुपए रोज करके 20-20 50-50 रुपए रोज जमा करके 5-10 साल तक जमा किए और वो जब एक बड़ी रकम बन गई और जब उनको लौटाने का समय आया तो आज उन लोगों को वो धन नहीं मिला। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब देश का सर्वोच्च न्यायालय भी आदेश दे देता है कि 6 महीने में पैसा लौटाओ, भारत की संसद भी एक कानून बना देती है जिसमें 180 दिनों में लौटा पैसा लौटाने का प्रावधान होता है, बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वो अपने ज़िले में जो भी लोग ठगी पीड़ित हैं उनको उनके आवेदन स्वीकार करे और उनके 180 दिन में उनको पैसा लौटाने की कार्रवाई करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, संसद के द्वारा कानून बनाए जाने के बाद भी अगर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इससे बड़ा अन्याय कुछ भी नहीं है। और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और केवल जीवन जीने का ही नहीं, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को यह मूल अधिकार देता है कि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सके। लेकिन आज हमारे संसदीय तंत्र के 100% फेल होने की वजह से करोड़ों नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। हमारे नागरिकों में जो जिन लोगों ने अभिकर्ताओं का काम किया, सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के आधार पर जमा राशि इकट्ठा की और कंपनियों में जमा कराई, वो लोग आज नारकीय जीवन जी रहे हैं। क्योंकि निवेशक तो अभिकर्ताओं को ही पकड़ रहे हैं, हम नहीं जानते, हमने तो पैसा तुमको दिया, तुम ला के दो, जबकि कानूनी रूप से कोई भी अभिकर्ता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उत्तरदायी तो समस्त या तो उन सोसाइटियों का बनता है जिन्होंने की ये पूंजी जमा की, और फिर सरकार का बनता है जिन्होंने इस जमा पूंजी पर सोसाइटियों के खातों को सीज किया, सारी संपत्तियों को सीज किया, तो उन सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन आज विडंबना है कि सोसाइटियों के डायरेक्टर्स जेल में हैं, सोसाइटियों के खाते सीज है, संपत्तियां जब्त की हुई पड़ी है, तो सोसाइटी के डायरेक्टर्स वगैरह तो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सरकार ने उनके हाथ काट दिए, जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार ने लिक्विडेटर भी नियुक्त किए, परिसमापक भी नियुक्त किए, प्रशासक भी नियुक्त किए, लेकिन डाक के 3 पात और न्याय नहीं मिल रहा है, भुगतान नहीं हो रहा। और न्यायाधीश, अब जब सरकार में कहीं भी अन्याय होता है, विधि विरुद्ध कार्य होता है, तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं, और जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय कर दिया और भुगतान देने का आदेश कर दिया और उस आदेश की पालना नहीं हो रही है, तो अब संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेशों की पालना नहीं हो रही है तो उसका क्या निराकरण। इसलिए मजबूर होकर इस देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोगों को मजबूरन जन आंदोलन करना पड़ रहा है, अपनी शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। और हमारे बहुत से अभिकर्ताओं ने तो इतनी विपरीत परिस्थितियां हो गई और इतना दबाव पड़ा उन पर कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आज पूरे देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग संगठित हो रहे हैं और अभूतपूर्व रूप से जन आंदोलन के माध्यम से ही अब हमें न्याय प्राप्त करने की उम्मीद है। और इसीलिए
3 सितंबर से जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहां पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव निवेशकों का होने जा रहा है और अब हम करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं और आने वाले चुनाव में सभी निवेशक अभिकर्ता और सारे संगठन मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और इन सरकारों को से निर्णायक संघर्ष करने का हम ऐलान कर चुके हैं और अब देखते हैं 3 सितंबर के बाद ये जो सरकारें हैं क्या करती है और किस प्रकार से इन निर्दोष नागरिकों के हक अधिकार इनको लौटाती है। ये इनके लिए परीक्षा की घड़ी है क्योंकि पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकारों ने 4-4.5 साल तक तो कोई ध्यान नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिए और जो ज्ञापन देने गए मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के पास गए उनका अपमान किया। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गए हैं इसलिए ये भी नरम पड़े हैं, इन्हें याद आ गया कि ये वही ठगी पीड़ित हैं जिनका हमने अपमान किया और इनके वोट से ही हम जीतेंगे, इसलिए कुछ नरमी तो आई है इनके व्यवहार में इनकी गरज के कारण, वोटों की गरज के कारण। लेकिन हम भी तैयार हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान। जय हिंद जय भारत। अगली रणनीति क्या हो रहेगी अगर मान लो सरकार नहीं मानती तो क्या रणनीति आप कर रहे हैं और किस आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं आप? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ओ मतदाता तुम ही हो भारत भाग्य विधाता। समय आ गया है, ये जो मुख्यमंत्री थे कल तक मंत्री थे वो हमारे ही श्रेणी में आने वाले हैं और अब हमारी सरकार स्वयं बनाएंगे और इनकी परीक्षा लेंगे। जो भी चुनाव लड़ने जा रहा है, जो भी चाहता है कि हमारे मत के प्राप्त करके वो जनप्रतिनिधि बने, सरकार बनाए और सरकार चलाए, तो हम उनकी कड़ी परीक्षा लेंगे कि उनकी बौद्धिक क्षमताएं कितनी है, उनकी कानून की पकड़ कितनी है, उन्हें हमारी समस्याओं की जानकारी कितनी है और उनके पास हमारी समस्याओं का समाधान कितना है, उनकी परीक्षा लेंगे। फिर एकजुट होकर हम सभी मतदाता मतदान करेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने और हमारे अधिकारों को दिलाने वाले लोगों को ही हम अब की बार सदनों में भेजेंगे, ये हमारा निर्णय है। और यदि हमने पाया कि कोई भी हमारे गंभीरता से हमारी समस्याओं के समाधान करने के योग्य नहीं है तो हमारे पास नोटा का ऑप्शन भी है। ये जो पीड़ित है इनके लिए क्या संदेश है आपका? करो या मरो और मतदान का उपयोग करो। इस देश की सर्वोच्च पद पर अगर संविधान ने किसी को बिठाया है और एकमात्र ताकत जो प्रधानमंत्रियों को भी सामान्य आदमी बना देती है और जो सामान्य आदमी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देती है वो ताकत केवल और केवल नागरिकों के मताधिकार में है। इसलिए हम सभी निवेशक नागरिक समझे कि हम इस भारत के भाग्य विधाता हैं, अपने मतदान को सोच समझ के जब इस्तेमाल करेंगे तो शायद इन व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार मिटेगा, वो अन्याय के कारण मिटेंगे जिसके कारण आज ये दुर्दशा इस स्थिति में हम लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये संघर्ष समिति लगातार पीड़ितों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आप भी इसमें सहयोग कीजिए, अपना तन मन धन दीजिए ताकि आपका पैसा, आपकी खरी कमाई का पैसा आपको मिल सके। किसी से भी मांगते हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते। केंद्र सरकार होश में आओ।